हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं सेक्शन डी। और सेक्शन डी के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, वन बाय वन करके हम उसको देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, वन माइनस आई वन प्लस आई की रेस्ट पावर 100 है और इक्वल टू ए प्लस आई भी दिया है, और ए और बी पता करना है। तो देखिए, आप इसको इक्वेट करके लेके चलिए। सबसे पहले तो ये जो अंदर की वैल्यू दिया है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको रेशनलाइज कर दो। देखो, रेशनलाइज किया है, रेशनलाइज करने पे माइनस टू आई अपन टू था, तो टू टू से कैंसिल, माइनस आई आ गया। अब माइनस आई पे 100 पावर है, तो आपने देखो माइनस पे अगर पावर इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। आई पे 100 हो गया तो आई रेस्ट टू पावर 4 पे 25, अगर इसको मैं लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, चाहो तो आई पे 100 पावर है ना, इक्वल टू ए प्लस आई भी है। आप आई पे 100 को ऐसे भी लिख सकते हो, आई पे 4 × 25, यही है ना। और 4 जब मल्टीपल में पावर हो गया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब इस फॉर्म में बना लो, 1 + 0i = a + ib। अब यहाँ पे देखो, a = 1 आ गया और b = 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है, इसको भी उसी तरीके से करना है। सबसे पहले तो न्यूमेरेटर को सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद से आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद से कंपैरिजन कर लेना है, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी फाइंड आउट कर लिया 2/5, हालांकि बोला नहीं है लेकिन फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में बोला है, जेड जेड वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 अदर देन -1 सच दैट जेड जो है मॉडुलस जेड 1 होगा, एंड जेड 2 जो है जेड 1 -1 अपॉन जेड 2 1+1, देन शो दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड 2 इज 0। तो जेड 2 को ही बताना है, तो यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं क्या दिया हुआ है। जेड 1 एक्स प्लस आई वाई 1, जेड 2 एक्स 2 प्लस आई कर लिया, मॉडुलस जेड 1 का 1 है, तो एक्स 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये एक्स 1 है ये वाई 1 है, इक्वल टू 1 होगा। ये समझ में आ गया, जेड 2 की वैल्यू ये दिया हुआ है। सिंपल सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया जेड 2 मतलब एक्स 2 प्लस आई वाई 2, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते आ गया, फिर रेशनलाइज किया, आगे सिंप्लीफाई करते हुए आए तो फिर बाद में आगे यहाँ पर जो बात किया है वहां पर ये बोला है कि रियल पार्ट के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में तो आ गया, उसके बाद आपने यहाँ लिखा देयर इज नो रियल पार्ट इन द राइट हैंड साइड। राइट साइड में देखोगे तो आई ही है, रियल पार्ट है ही नहीं है। अब रियल पार्ट ना होना इसका मतलब रियल पार्ट की वैल्यू के 0 होना, तो एक्स टू की वैल्यू क्या होगी 0, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ द जेड टू क्या है 0 है, क्लियर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, थोड़ा सा मैं नोटिस कर लूँ कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, आवाज आ रहा है, थोड़ा माइक्रोफोन लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। एक मिनट, चलिए अभी मैं आ जाता हूँ। तो पॉइंट है आपके सामने, जो क्वेश्चन है 4 नंबर का सेक्शन डी का, वो एक्स रेस टू पावर 4 है, एक्स 4x³ है, 6x² है, 4 + 4x है, +9 है। व्हेन एक्स इक्वल टू -1 + i√2, ये आपके सामने दिया हुआ है। देखो, एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू दिया है तो आप चाहो तो एक्स रेक्स टू पावर 4 निकाल लो, मतलब x² का स्क्वायर। तो जो वैल्यू दिया है उसका इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो ना, -1 + i√2 का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद से स्क्वायर करो, ठीक है। समझ में आ रहा, ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। देखो, ये यहाँ पे दूसरे तरीके से किया है, बट आप सबकी वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड आउट कर लो। क्यूब का फॉर्मूला आता है, स्क्वायर 4 पावर का भी बता ही दिया, x³ का भी निकाल लो, x² का भी निकाल लो, फिर इस वाले इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो,
आपकी आंसर आ जाते हैं यहाँ पे 12। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात किया है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, आपका ये जेड है, इसका कंजुगेट पहले निकाल लेना, डिवाइडेड बाय मॉडुलस जेड का स्क्वायर कर लेना। तो कंजुगेट देखो जेड ये है, ठीक है, एक्चुअली जेड जो है ना यहाँ माइनस है, ये कंजुगेट की वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कंजुगेट निकालना है तो 5 + √3i आ जाएगा, यहाँ तो माइनस रहेगा, जेड की वैल्यू तो माइनस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस में कंजुगेट आ जाएगा, वो कंजुगेट की वैल्यू हम वहां पर ऊपर रख देंगे। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है, उल्टा पुटा कर दिया है क्वेश्चन ही, या तो अलग लेके कर लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे सही किया है, देखो आंसर सही लिख रहा है, यहाँ पर गलत कर दिया, माइनस लगा दिया है। चलिए कोई नहीं, आप समझदार हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - i^n, 1 - 1/i^i है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये भी n ही है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सही किया है, तो 1 - i^n, यहाँ 1 - 1/i^n, क्या करना है, इसको अंदर को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो i^-1/i^n हो जाएगा, तो ये आपके सामने इंडिविजुअली होल पावर कर देंगे, तो 1 - i और i - 1 को थोड़ा सा माइनस कॉमन करेंगे अगर, तो 1 - i, 1 - i, 1 - i का होल स्क्वायर हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल और i कैंसिल, तो 2^n आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आपका वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। सेवेंथ नंबर की अगर मैं बात करूं, तो सेवेंथ नंबर भी देख लो, z1 = 2 - i, z2 भी दे दिया है, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, फिर उसके बाद जो सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है उसका मॉडुलस आप निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा, वही है, एकदम ज्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर निकाल लो, फिर रैशनलाइज, यहाँ पे देखो किया हुआ है, रैशनलाइज करने पे आपका ये आया और इसका कंजुगेट ये हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, बस कंजुगेट का मीनिंग समझ में आ गया, बहुत आसान है। नाइन नंबर देखोगे तो यहाँ पर दिया है x + iy = a + ib / a - ib, प्रूव डैट x² + y² = 1। अब देखो सिंपल सा दिया है, x² + y² = 1 दिया, ये प्रूव करना है सिंपल सा, आपका ये जो दिया हुआ है गिवेन, यहाँ जो गिवेन दिया हुआ उसको लिख लो, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया, बोथ साइड कंजुगेट कर दिया, इसको कंजुगेट और इसको कंजुगेट, इसको कंजुगेट करने के बाद अगर थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे क्या था, दोनों को ऊपर कंजुगेट हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा a - ib और ये क्या हो जाएगा a + ib, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ा सा ध्यान देना, इसका कंजुगेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो होगा वो माइनस होगा, थोड़े साइन में यहाँ पर सॉल्यूशन में दिक्कत देंगे, फिर बाद में ना आपका ये कंजुगेट की वैल्यू है और ये आपका नॉन कंजुगेट की है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया, इसको प्रोडक्ट करोगे तो x² + y² हो जाएगा ना, देखो x² a + b a - b है तो x² - iy² होगा, तो i² की वैल्यू एक तो माइनस है और इसकी वैल्यू भी माइनस आती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनको देखोगे तो ये जो ऊपर है वही यहाँ पे नीचे है, यहाँ जो ऊपर है वही यहाँ पे नीचे है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का आप देख सकते हैं, 10 नंबर में भी सेम इसके पहले वाले जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से है, आप इसको पहले x^4 का निकाल लो, फिर x³ भी निकाल लो, x² भी निकाल लो, फिर इस वाले इक्वेशन में रखो और सॉल्व कर दो, आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो जैसा किया है वैसे ही करना है। तो ये था आपके सामने का जो 10 नंबर का क्वेश्चन, ये सेक्शन डी वाले क्वेश्चन थे, इसको देखते रहिए, इसके बाद हम सेक्शन ई वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आएंगे कि ताकि आपको समझ में आ सके, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। धन्यवाद।